नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रघुबीला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। राजस्थान एडीजे का एग्जाम 24 नवंबर को है। अभी भी आपके पास पूरे के पूरे 2 महीने हैं, लेकिन 1.5 महीना हो गया आपके फॉर्म भरे हुए, एक बार भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे पहले तो कोर्स कंप्लीट करो। कैसे कोर्स कंप्लीट करना, आइए एक चर्चा करते हैं अपन, फिर बताते हैं अपन इसके बारे में। देखिए, राजस्थान एडीजे का आपका सिलेबस बहुत छोटा सा है। देखो, कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि मैं अभी से प्री प्लस मेन की प्रिपरेशन कर लूँ, और आप प्री प्लस मेन की प्रिपरेशन चले जाते हैं, और उससे क्या होता है, ना तो प्री की प्रिपरेशन होती है ना मेन की, आप दोनों में अटक जाते हैं। तो पहला फोकस करो ना, प्री तो निकालो, प्री निकलेगा फिर आप कोर्स छोड़ के अपनी मेन की तैयारी भी कर लेना, राइट। तो आप देखो, आपके पास सब्जेक्ट क्या है, सीआरपीसी, कोशिश करो 3 डेज में खत्म करो। कैसे करेंगे, आज आप 1 से 153 की एक रीडिंग कीजिए, फिर 154 से लेकर आप 353 की रीडिंग कीजिए, और देन 354 से लेकर 484 की रीडिंग कीजिए। अब आपको लगता है मैं कैसे करूं, और आपको सब आता है, आप एडीजे का एग्जाम दे रहे हैं, सब पहले पढ़ चुके हैं। दिक्कत है एक टाइम की, आपके पास एक तो कंटिन्यूटी नहीं हो रही, नंबर वन। दूसरा आता, टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आप जिस जगह पे खड़े होकर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वकालत भी जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई इशू है ही नहीं, पर सीटें तो वो कुछ ही होंगे, 4, 5, 6, 10 नहीं, बाकी लोगों को भी तो करना है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है, क्योंकि प्री में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं चाहिए इतना, मेन में चाहिए। ऐसा नहीं है प्री का सवाल बैरिक से आते हैं, बस नाम चेंज हो जाते हैं, बाकी सब वही आते हैं, लेकिन मेन में आप कर लोगे, पर उससे पहले प्री तो निकालना पड़ेगा। वो कहते हैं आपको एडीजे बनना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म ही नहीं भरोगे तो एडीजे कैसे भरना। अब आपने फॉर्म भर दिया तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एडीजे बनना है तो पहले प्री निकालना पड़ेगा, प्री के बाद मेन निकालना पड़ेगा, मेन के बाद इंटरव्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके एडीजे बनोगे। पर प्री ही नहीं निकल पा रहे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम नहीं मिल पा रहा। तो आप एक टाइम सेट करो, या तो आप पढ़ो अर्ली मॉर्निंग या पढ़ो लेट नाइट, दोनों में से एक पढ़ो। फिर अगर लेट नाइट पढ़ते हो नींद, तो अपने कोर्ट के दौरान जब भी फ्री हो तो जब के लिए हो, करना तो पड़ेगा, आपके सपने पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पे आपको कोर्ट में निकलने के बाद आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, क्लाइंट आ जाएंगे, तो आपके पास एक ही टाइम है, वो है मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं मैडम मैं तो सोई रात को 11 बजे रहा हूँ, तो मैं कैसे पढ़ूँ। तो 11 बजे सो रहे हो, सो जाओ, कोशिश करो 2-2.5 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ लास्ट, उठ के अपना चाय कॉफ़ी पी के 3 से लेकर 7 बजे तक पढ़ लो, और साथ साथ 1 घंटा वापस हो जाओ, ताकि थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स हो जाए, देन आप अपने कोर्ट चले जाओ। कोर्ट के अंदर बीच बीच में टाइम चोरी करो, थोड़ा सा झपकिया लेते रहो, अपनी पावर नैप लेते रहो, और शाम तक अपना काम करो, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अब जब आपने सुबह पढ़ने बैठे, एग्जाम्पल के लिए आप हर हालत में 4 बजे पढ़ने बैठ गए, तो 4 से लेकर 7 3 घंटे बस अपना टारगेट, अगर इतना भी कर लोगे ना रोज का 3 घंटे पढ़ना, जैसे आज 3 घंटे में सीआरपीसी करूंगी, 3 दिन में मेरी सीआरपीसी खत्म करूंगा, फटाफट रीडिंग करूंगा। अब आपको लगता है और कैसे पढ़ सकते हैं, तो हमारे पास ओनली सीआरपीसी का भी आप लेक्चर ले सकते हैं प्री के लिए। देखो, पूरा एडीजे का कोर्स भी अवेलेबल है, और ओनली लेक्चर भी ले सकते हैं, या सेल्फ स्टडी तो कर ही सकते हैं, पर होता ना सुन लोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, उसमें केस जो भी है वो लिखे हुए हैं, आप वो भी उसको ले सकते हैं, और नहीं भी सेल्फ स्टडी करो, पढ़ लिए, फिर चौथे दिन ऐसे सीपीसी को 3 भागों में डिवाइड कर दो, आईपीसी को 3 भागों में, फिर आते हैं एविडेंस को 3 भागों में, कॉन्स्टी को 3 पार्ट में, फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ना टीपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये हो गए सारे मेजर। फिर आपके पास 3 घंटे, 3 घंटे एक दिन आप लिमिटेशन और SRA कर लो, दूसरे दिन आप NDPS SST कर लो, फिर उसके आगे वाले दिन आप जो है अपना NI एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट कर लो, फिर उसके आगे आपका टेंडेंसी एक्ट कर लो, फिर उसके बाद आपका मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस कर लो, फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन, एक दिन रजिस्ट्रेशन और कोर्ट फीस कर लो, दूसरे दिन कोर्ट फीस और क्या बोलते हैं आपका स्टाम्प एक्ट कर लो। देखो, बातों में सारे सब्जेक्ट के नाम आ गए, इनको इस तरह से करना आपको, ये आपने कर लिया, करने के बाद अब एक बार एक राउंड खत्म होना है। और अगर ये भी करते हो ना, कितने सब्जेक्ट है अपने पास, उन सब्जेक्ट को डिवाइड किया तो भी आप अगले 20 दिन में एक बार कोर्स कंप्लीट कर लोगे। अब आता है जीके कैसे करोगे। देखो, जीके अगर आप कहीं सुन रहे हो तो ठीक है, एक सैकड़ा करके आपकी न्यूज़ आती है वो सुनना शुरू कर लो करंट में, बाकी तो देखो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है जीके का, ठीक है। फिर हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इनको भी एक एक बार, क्योंकि बहुत सालों से पढ़ ही रहे हैं, तो एक बार आपके पास जो भी मटेरियल है उसे हिंदी इंग्लिश कर लो, या कोचिंग में करते हो तब तुम कर ही रहे हैं, पर उसको कर लो, हो गया। फिर आपके पास हिंदी इंग्लिश भी हो गया, अब बच्चे के लैटिन मैगजीन अपना टारगेट कर लो, जब अपन कॉलेज में पढ़ते थे तो अपनी गंगा श्राई की किताब आती थी उसकी लैटिन मैगजीन कर लो, ये नो लैटिन मैगजीन भी हो गई। अब आता मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, उसकी मार्केट में 2-3 किताब अवेलेबल है, कोई भी एक किताब कंप्लीट कर लो, ठीक है। अगर एक राउंड तो निकालो, जब एक निकालोगे फिर दोबारा और तिबारा 3 राउंड का टारगेट करो कि एग्जाम से पहले मुझे 3 बार कंप्लीट करना है, तो भी आपका प्री निकल जाएगा, और जब प्री निकल जाएगा तो आप मेन के लिए खुद से बैठ जाओगे। तो सबसे पहले आपकी कंटिन्यूटी सिर्फ एक ही टाइम में हो सकती है, सुबह वाले। अब आता वो है कि जिनके पास कोर्ट का
काम अवॉइड कर सकते हैं तो फिर वो अपने आप सुबह और शाम दोनों टाइम निकालो, ताकि वो अपना टारगेट फिक्स करके मुझे 10 दिन में कोर्स खत्म करते 10 10 10 10 करके मैं एग्जाम तक 7 बार पढ़ लूंगी। क्योंकि अगर आप एक चीज को रटने के बजाय उसको 7 टाइम पढ़ लेते हो है ना अंतरालों के अंदर, तो वैसे ही वो याद हो जाता है। फिर एमसीक्यू सॉल्व कर लो, अभी हम लोगों की मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली एडीजी का वो ले सकते हो, हमारे टेस्ट सीरीज शुरू होने वाले सब्जेक्ट है आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, उन्हीं को दोबारा रिवाइज पहले पढ़ लिया, पढ़ के उनको आप क्वेश्चन आंसर कर लो तो भी आपको फायदा हो जाएगा, नुकसान कुछ नहीं है। इन सब के अलावा हमारे पास एडीजी की क्लासेस भी चल रही है, जैसे माइनर एक्ट है अभी हमारा हो गया है, SST हो गया हमारा, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, तो इनकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर ली, तो जो मेजर एक्ट है उन सबकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है। और फिर अभी जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ इसमें SST भी हो गया अब आपका, ठीक है SST भी हो गई, इसकी भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई और रजिस्ट्रेशन की हो गई, बाकी चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि इन सब्जेक्ट में आप क्लास में बैठ सकते हो, इनकी रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो, और रिकॉर्डिंग के लिए ऊपर भी हम चर्चा करते हैं कि भाई जैसे मान लो पूरा कोर्स हो गया फिर आप रिकॉर्डिंग ले दो तो भी हम आपके साथ बैठेंगे, ताकि पता तो चले आज आपने पढ़ाई किया नहीं। क्लास में जैसे हमारा SST हो रहा है तो हम उसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन है उसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे बच्चों को टास्क दे रखा है, स्टूडेंट्स को सॉरी बच्चों बोलने की आदत है, स्टूडेंट को टास्क दे रखा है भाई आप CRPC खत्म करो तो उनके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये कोर्स भी आप ले सकते हैं। इस कोर्स को हमने दो भाग में डिवाइड कर रखा है, सिर्फ लॉ लेना चाहो तो लॉ ले सकते हो, लॉ प्लस GK प्लस हिंदी इंग्लिश। GK में क्या करते हैं हम लोग करंट पढ़ रहे हैं फिलहाल, और एक राजस्थान का GK, दो चीजें करंट के अंदर हम हाई कोर्ट की जितनी भी चीजें वो पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की चीजें वो पढ़ रहे हैं, प्लस उसके अलावा करंट में जो जो पिछला पेपर देख के उस अकॉर्डिंग हमने तैयार किया, और ऐसा नहीं है एक एक टॉपिक पर बहुत गहराई से पढ़ा रही हूं, नहीं हम जो पढ़ रहे हैं उसी को रिवाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि मेन टारगेट है रिविजन कि भैया क्या करना है कि रिविजन के भूटान के अंदर अभी किसको जो है पुरस्कार दिया गया था, किस प्रधानमंत्री को वहां पर सम्मानित किया गया था, किस अवार्ड से उसको नवाजा गया था, वो सब चीजें हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमें उसे याद हो जाए, क्योंकि हमें 15 नंबर चाहिए, 15 में से अगर हमें 10-20 सही हो जाएगा हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो GK पढ़ रहे, साथ में हिंदी ग्रामर हमारी चल रही है वो खत्म होते इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी, फिर आजतन GK उसमें इंक्लूड हो जाएगा। लैटिन मैगजीन हमने फिक्स कर रखा है कि हम इतनी लैटिन मैगजीन पढ़ेंगे हम और उसको रिवाइज करते हैं, जैसे आज पढ़ा है तो पहले फर्स्ट डे से अब तक वापस रिवाइज कर लिया, मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग एक स्टूडेंट उसको रिवाइज कर रहा है, ये चीजें रिवाइज करने वाली जो बार बार है। तो लैटिन मैगजीन डेली चल रहा है, GK हमारा डेली चल रहा है, ग्रामर हिंदी चल रही है, हिंदी खत्म होते इंग्लिश हो जाएगी, क्योंकि हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा प्री क्लियर हो जाए, ज्ञाता नहीं बनना भाई, प्री क्लियर हो तो मेन क्लियर हो तो इंटरव्यू दे मेटा खत्म, तो टारगेट रखता है एक तो मैं गहन अध्ययन करूंगा तो फाउंडेशन बैच में आओ, वो फिर 2 साल तक पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 1 साल पढ़ो पढ़ो, अभी समय 2 महीने तो 2 महीने के लिए शॉर्ट स्टडी मस्त है। और सबसे कंटिन्यूटी, क्लास का मतलब है कंटिन्यूटी, इस बारे की अभी आपको एक दिन तो बहुत पढ़ लेते हो, संडे हो तो बहुत पढ़ लेते हो, मंडे को पढ़ लो 3 दिन गायब हो जाते हो, फिर वापस बैठते हो तो फिर लगता है कहाँ से पढ़ो जीरो से, तो क्लास एक कंटिन्यूटी, रोज शाम को आपको 7 से 9 बजे बैठना ही बैठना है, कैसे करके मैनेज करना है, फिर उसी में हम लोग प्लानिंग करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठो, रोज सवाल पूछते हैं, 4 लोग क्वेश्चन का आंसर देते तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है, यार ये दे रहा मैं भी दे दूंगा, आता आप लोगों को भी, फिर हमारे सीरीज शुरू हो जाएगी किसी जजमेंट्स की भी सीरीज शुरू हो जाएगी, तो वो भी साथ साथ चलती रहेगी। अब आता है इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आप इसको ले सकते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज कैसे ले सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, इंडिविजुअल आप क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट कैसे ले सकते हैं, इन सब के बारे में आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं कि कैसे कैसे ज्वाइन करना है, ये जूम ऐप पर लाइव क्लासेस चलती है, ऐप पर आपको कैसे इसको परचेज करना है इसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस ADG राजस्थान के एग्जाम में जिसने फॉर्म भरा है उसे फॉर्म भरने के बाद कोई क्वारी है या उनसे पढ़ाई नहीं हो रही है कोई भी उनका सवाल है तब मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए